नमस्ते, मैं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं 7 डेज गाइड। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए काफी एक अच्छी योजना है। इसी योजना के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इस योजना के लाभ कौन कौन ले सकते हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन सी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी या फिर इसके क्या क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा और कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसी टाइम कमेंट करिएगा। तो आइए जानते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और ब्राउजर में हमें टाइप करना है मानधन योजना। टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी, मानधन.in। ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, हमें इस पे क्लिक कर देना है। अब आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये देख लीजिए, आपको दिख रहा है 43,96,624 लोगों ने अभी तक इसके लिए अप्लाई कर रखा है। चलिए, जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्कीम है और डिटेल का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन, फीचर्स, बेनिफिट्स, मंथली कंट्रीब्यूशन और हाउ टू अप्लाई मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 60 साल से ऊपर के हो जाएंगे तो आपको हर महीने कुछ पैसे सरकार की तरफ से दिए जाएंगे जिससे आप खुद को सर्वाइव कर पाएंगे। इस योजना का लाभ कौन कौन से लोग ले सकते हैं, जैसे असंगठित मजदूर, जैसे फेरी वाले या फिर रेड़ी वाले हों, या फिर ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर हों, या फिर मोची हों, या फिर घरेलू कर्मचारी हों, धोबी हों, या फिर रिक्शा चालक हों, कृषि उत्पाद से जुड़े मजदूर हों, या फिर हथकरघा उद्योग से जुड़े मजदूर हों, या फिर ऐसे लोग हों जो इसी तरह के दूसरे पेशे से जुड़े हों, ऐसे लोग इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। और भारत में पता होना चाहिए आपको कि ऐसे लोगों की संख्या लगभग 42 करोड़ है। ये देखिए, जब आपकी एज 60 साल हो जाएगी तब आपको 60 साल के बाद हर महीने 3,000 पेंशन मिला करेगी, आपके बैंक अकाउंट में सीधी आएगी। अब उसके बाद अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो 50% पेंशन आपकी वाइफ को या फिर आपके हस्बैंड को दिया जाएगा। एक बात ध्यान रहेगी, आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे जैसे आपका उम्र ज्यादा होगा वैसे वैसे आपको ज्यादा पैसे भी पे करने पड़ेंगे। जैसे 18 साल से लेके 40 साल के बीच में आपको 55 रुपए से 200 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका मंथली इनकम 15,000 से कम होना चाहिए तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप EPFO, NPS या फिर ESIS के मेंबर हैं तो आप इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, या फिर आप टैक्स पे करते हैं तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होनी चाहिए और सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर जनधन अकाउंट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे फीचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, 3,000 पर मंथ आपको मिलेंगे पेंशन। अब इसके बाद हम बेनिफिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप 60 साल का एज पूरा करने से पहले ही परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं तो आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड इस योजना को शुरू रख सकते हैं। अगला है बेनिफिट्स ऑन लिविंग द पेंशन स्कीम। अगर आपने सपोजेड मान लीजिए आज ज्वाइनिंग किया और आज से 10 साल के भीतर भीतर अगर इस स्कीम को बंद करना चाहते हैं तो आपने जितने भी पैसे जमा किए होंगे उन पैसों का इंटरेस्ट के साथ आपको बैंक अकाउंट में लौटा दिया जाएगा। अगर आप योजना का शुरुआत करने से 10 साल बाद तक भी अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं और जो भी आपने पैसे जमा किए होंगे उस पे आपको ब्याज मिलेगा। अब हम यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि आपको कितना पैसे पे करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि आपका एज 18 साल है तो आपको 55 रुपए हर महीने पे करना पड़ेगा और 55 रुपए सरकार भी पे करेगी आपके बैंक में और आपके 110 रुपए टोटल हो जाएंगे। अब मान लीजिए 25 साल की उम्र में इस योजना की शुरुआत करी आपने तो आपको 80 रुपए पे करने पड़ेंगे और 80 रुपए ही सरकार भी पे करेगी आपके अकाउंट में, टोटल 160 रुपए हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ेगा और उसी तरीके से आप पैसे भी ज्यादा आपको पे करने पड़ेंगे और उतने ही पैसे सरकार भी पे करती है। जैसे चलिए 40 साल की उम्र में आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे हर महीने के और 200 रुपए सरकार भी पे करेगी तो 400 रुपए हो जाएंगे। अगला है हाउ टू अप्लाई। आप या तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पे भी जाके अप्लाई करते हैं। चलिए आइए जानते हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ का, इस पे हम क्लिक कर देंगे। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सेल्फ एनरोलमेंट या फिर CSC VLE। अगर आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे या फिर कॉमन सर्विस सेंटर में जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम डालना पड़ेगा। नेम वही डालें जो आपके आधार कार्ड पे सेम टू सेम है।
उसके नीचे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैप्चा डालना पड़ेगा, कैप्चा में ये डालें 8422HG, सेम टू सेम SC डालना है। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में डालेंगे, स्मॉल में है तो स्मॉल में डालेंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इस पे क्लिक करके दूसरा कैप्चा भी मंगा सकते हैं। ये सब सही सही फील करने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, यहाँ पे OTP डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने पूरी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी आपके सामने। अब यहाँ पे आपको एनरोलमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे और सबसे ऊपर ही दिख रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाएगी, इसे हमें फिल करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे सब्सक्राइबर आधार, अपना आधार नंबर डालेंगे, अपना नेम डालेंगे, सेम टू सेम नेम वही डालें जो आधार कार्ड पे है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ ईमेल आईडी डाल देंगे, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पे है। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल सेलेक्ट करने, वरना फीमेल या फिर थर्ड जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड नंबर डालेंगे, पिन कोड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे यस नो पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना पड़ेगा, कैटेगरी में आप ST में आते हैं या फिर ST SC में आते हैं या फिर OBC या फिर जनरल में आते हैं, जौन से भी कैटेगरी में आते हैं आप कैटेगरी चूज कर लेंगे। फिर आपका अगला है पेशा क्या है, आप जिस भी फील्ड से जुड़े हैं, वो बहुत सारे इसमें पेशे हैं, उस पेशे को आप क्लिक कर सकते हैं। अगला यहाँ पे वेदर मेंबर या बेनिफिशियरी ऑफ NPS, ESIC और EFPO, तो आप इस पे नो करेंगे। और यहाँ पे है अगला वेदर इनकम टैक्स पेयर, यहाँ पे भी आप नो कर देंगे और यहाँ पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम, और यहाँ पे ये सब फिल करने के बाद सही सही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल देने पड़ेंगे जिसमें IFSC कोड वगैरह देना पड़ेगा। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद नॉमिनी नेम डालेंगे। आप अपने वाइफ का नाम डालिए या फिर आप अपने हस्बैंड का नाम डाल दीजिए। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी ऐसा कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है जिनके लिए मैं इस फॉर्म को भर सकूं और इस योजना के बारे में लाइव आपको दिखा सकूं। अगर ऐसे कोई पर्सन अवेलेबल होते हैं तो मैं आपको लाइव इस फॉर्म को भर के दिखाऊंगा। ये सब करने के बाद आपके सामने सेल्फ सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसको आप डन करेंगे। डन करने के बाद आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपको एक महीने में कितना पे करना है या फिर 3 महीने में कितने पे करने होंगे या फिर 6 महीने में या फिर 1 साल में आपकी एज के अनुसार कितना पे करना होगा। तो आप उसमें से चुन लेंगे कि आप 3 महीने में एक बार पे करना चाहते हैं या फिर 6 महीने में या फिर 1 साल में पे करना चाहते हैं। ये सब करने के बाद आपको उसी टाइम पहला पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सर्विस कॉमन सेंटर पे कर रहे हैं ये काम तो आपको उस टाइम कैश में देना पड़ेगा। जब आप पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने एक दूसरी फॉर्म जनरेट होगी, उस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे और वहां पे एक साइन का ऑप्शन होगा, उस पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे और फिर से उस फॉर्म को आप उसी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने श्रम योगी पेंशन अकाउंट नंबर भी जनरेट हो जाएगा और आपका कार्ड भी जनरेट हो जाएगा जिससे आप उसी टाइम प्रिंट कर सकते हैं। अब आपका अगला इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट से कटता रहेगा जो बैंक डिटेल आपने दिया होगा। 60 साल कंप्लीट होने के बाद उसी बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन आया करेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। ऐसे और यूजफुल वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।